राजस्थान में तेज गर्मी और बिजली कटौती से लोग परेशान हो गए हैं। गुरुवार को राज्य के 11 शहरों में दिन का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड हुआ। ख्वाजा नगरी अजमेर में बीते 63 साल में अप्रैल का सबसे गर्म दिन रहा, जहां का अधिकतम तापमान 43.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। राजधानी जयपुर में बीती रात न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर रिकॉर्ड हुआ, जो इस गर्मी के सीजन की सबसे गर्म रात रही। मौसम केंद्र जयपुर के डायरेक्टर राधेश्याम शर्मा की माने तो हीट वेव की स्थिति अगले 3 दिन बने रहने की संभावना है। आकातीत से प्रदेश के मौसम में बदलाव होगा और तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। जयपुर मौसम केंद्र से जारी रिपोर्ट को देखें तो अजमेर में साल 1958 में अधिकतम तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, जो अप्रैल महीने का सबसे गर्म दिन था। इसके बाद अजमेर में तापमान 43.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ, जो इसके बाद सबसे ज्यादा तापमान है। उदयपुर को छोड़कर प्रदेश के सभी जिलों में कल दिन का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर रहा। अलवर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, धौलपुर, बारा, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर, बांसवाड़ा और करौली में कल दिन का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। धौलपुर कल सबसे गर्म रहा, जहां का अधिकतम तापमान 46.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि सबसे गर्म रात जयपुर में रही, जहां न्यूनतम तापमान 31.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। जयपुर मौसम केंद्र से जारी फोरकास्ट के मुताबिक आज बीकानेर, जोधपुर और अजमेर संभाग के कई जिलों में सरफेस पर हीट वेव चलेगी। गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू, जोधपुर, श्रीगंगानगर, जालौर, पाली, नागौर जिलों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 30 अप्रैल को अजमेर, बीकानेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर और पाली जिलों में 50 किलोमीटर की स्पीड से धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने 2 मई तक राज्य के कुछ शहरों में दिन के तापमान में से 1 या 2 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में बढ़ोतरी की संभावना जताई है। 3 मई से एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस राजस्थान के नॉर्दर्न और वेस्ट नॉर्दर्न एरिया में सक्रिय होगा। इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से 3 और 4 मई को बीकानेर, जोधपुर और कहीं कहीं जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी के साथ बूंदाबांदी या हल्की बारिश भी हो सकती है, जिससे तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। इस दौरान गंगानगर, बीकानेर, चूरू, नागौर, जोधपुर, झुंझुनू, हनुमानगढ़ जिलों में बारिश हो सकती है। इससे गर्मी से लोगों को काफी राहत मिलेगी और हीट वेव भी अगले कुछ दिनों के लिए रुक जाएगी। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।